देखिए क्या कह रहा है कि फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स बिलोंग्स टू वन टू थ्री, द वैल्यू ऑफ सी फॉर लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल हो जाएगा इस इंटरवल के लिए, तो हमें वैल्यू ऑफ सी बताना है। अब देखिए, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं एफ वन का, वन प्लस वन बाई वन ये टू आ जाएगा, एफ थ्री का थ्री प्लस का वन बाई थ्री, नाइन प्लस वन टेन बाई थ्री, टेन बाई थ्री। अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, वन माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एफ डैश सी की बात करेंगे तो वन माइनस का वन बाई सी स्क्वायर। तो भाई मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो जाता है, एफ डैश सी इक्वल टू में एफ थ्री माइनस का एफ टू बाई एफ वन बाई में थ्री माइनस का वन। तो अब इसमें हम लोग रख देते हैं, चलिए वन माइनस वन बाई सी स्क्वायर इक्वल टू में, यहाँ एफ थ्री है आपका टेन बाई थ्री और एफ वन है आपका टू, माइनस टू हो जाएगा और बाई में आपका नीचे टू हो जाएगा। वन माइनस वन बाई सी स्क्वायर इक्वल टू में, या एलसीएम ले लेते हैं थ्री, टेन माइनस का सिक्स बाई टू। देखिए अब इसके बाद क्या होगा, वन बाई वन माइनस वन बाई सी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा फोर, नीचे इसके वन डाल देते हैं, बाई थ्री इंटू में वन बाई टू। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, वन प्लस का वन, ये इसको उधर लेके चल जाएंगे तो वन, और इसको इधर लाएंगे माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू में वन बाई सी स्क्वायर। इधर एलसीएम ले लेते हैं थ्री, थ्री और माइनस का टू, तो यहाँ से वन बाई थ्री इक्वल टू में वन बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू में थ्री, तो स्क्वायर ले जाएंगे रूट में, प्लस वाला ही लेंगे क्योंकि माइनस वाला तो लाइन ही करेगा हमारे इंटरवल वन से थ्री में, ठीक है, तो प्लस वाला ही यहाँ पे ले लेंगे, तो रूट थ्री हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर चार।